तो समाचारों में आगळ वात करीए तो वरसादी सीस्टम सक्रिय थता ज राज्य में आगामी 48 कलाक में हळवाथी मध्य वरसाद की आगाही कराई छे। तो हवामान विभाग की आगाही मुजब उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में मध्य वरसाद पड़शे, तो साबरकांठा और अरवली में भारे वरसाद वरसी शके तेवी शक्यताओ छे। ता उपरांत दाहोद, महिसागर, सुरेन्द्रनगर और मोरबी में पण भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। तो वरसाद की आगाही ने लईने तंत्र पण एलर्ट थई चूक्यु छे। उल्लेखनीय छे कि राज्य में पड़ेला भारे वरसाद ने कारणे अनेक लोकोए जीव गुमावानो वारो आव्यो हतो अने अनेक माल मिलकतोने पण भारे नुकसान पहोंच्यु हतु। तो वरसादी सीस्टम फरी सक्रिय थई छे, आगामी 48 कलाकमां वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो साबरकांठा अने अरवलीमां भारे वरसाद वरसी शके छे, तो दाहोद, महिसागर अने सुरेन्द्रनगरमां पण आगाही कराई छे। तो आगामी 48 कलाक में वरसाद की आगाही करवामां आवी छे, तो वरसादी सीस्टम फरी सक्रिय थई छे। तो गुजरातना अनेक जिल्लाओं में वरसाद वरसी शके छे आगामी 48 कलाक में। हवामान विभाग द्वारा महत्वनी आगाही करवामां आवी छे। तो साबरकांठा और अरवली में भारे वरसाद वरसी शके तेवी आगाही छे। तो दाहोद, महिसागर, सुरेन्द्रनगर और मोरबी में मध्यम वरसाद की आगाही कराई छे। हेलो मित्रों, खास करीने आपणे जाणीए छीए के हमणा मावઠું जे थयुं छे, ई मावઠામાં खास करीने जे अमुक विस्तारमां खासे वडोदरा पछी उत्तर गुजरातमां मावઠું थयुं छे, एने कारणे जे हाल असर थई छे, खास करीने जे तैयार पाको थया छे बराबर, एमां खास करीने अमुक मगफळी छे, पछी अमुक जे जुवारो छे, मकाई छे, तैयार पाकमां थोड़ी घणी नुकसानी थशे, पण 5% नुकसानी जेवुं थशे, बहु वांधो नहीं आवे। कारण के मावઠું आ एवुं छे के तात्कालिक पासू शू छे के तड़को मूके छे अने पासू रिकवर थई जाय छे। एटले बीजी वस्तु ई छे के आ मावઠાને कारणे नुकसानी करता अमुक खेडूतोने फायदो थाय छे। धारो के जे विस्तारमां खास करीने मगफळी काढवानी होय बराबर, ई मगफळीने पाणी आपवाने बदले आ जो मावઠું थयुं होय तो एना कारणे थोड़ीक एनाथी मगफळी पोची पड़ी जाय। पण मेन वस्तु के जेनी पासे खास करीने तैयार माल छे, तैयार पाक छे, एमां जो तैयार पाक उपर मावઠું पड़े तो एना जे चारानी क्वालिटी पण डाउन थाय बराबर, अने पाकनी क्वालिटी छे पाक एनी छे सीडनी क्वालिटी ई पण डाउन थाय झाकू पड़े। एटले ऑल ओवर आ मावઠાથી थोड़ो घणो गेरफायदो थाय छे, पण आ मावઠું हूँ मानु त्यां सुधी अमुक विस्तार पूरती मर्यादित रह्यु छे, एटले कोई एवो मोटो इश्यू थाय एवुं मने लागतुं नथी। મગફળી નું ટોટલ ચારો કે જેને પાલો કહેવાય એ પલળી જાય, એટલે એની કિંમત કોઈ લે નહીં। ઘાસચારો પલળવાથી પલળી ગયેલો ઘાસચારો કોઈ પશુપાલકો લે નહીં, એટલે એ ચારો અમારે ફેંકી દેવો પડે। અને જે માંડવીના ડોડવા કે જે પલળી જવાથી સેજ કાળા પડી જાય, એટલે એના વેપારી મણે 50-100 રૂપિયા જેટલો ભાવ ડિફરન્સ લે અને ઓછા પૈસે જાય, એટલે ખેડૂતને વીઘે 3-4 હજાર રૂપિયાની જેટલી નુકસાની ગણાય।